हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट निकला हुआ है ग्रुप सी इन नेशनल जियोलॉजिकल पार्क एज पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग OM नंबर AB 140171 2018 स्टेट डेट 13 नवंबर 2015। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका डिटेल्स क्या है जिसको आप फॉलो करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मल्टीटास्किंग टास्क के लिए यहाँ पे स्टाफ के लिए यहाँ पे आपको जो कि एप्लीकेशन करना होगा, जिसके लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट निकला हुआ है, जिसके अंदर आपको वॉचमैन, मजदूर, माली, चौकीदार, अटेंडेंट, कुक, कम फूड डिस्ट्रीब्यूटर एंड गैंगमैन एक्सेप्ट एज द रेस्पेक्टिव थिंग डन द ओमिटेड टू बी डन बिफोर द सुपरसिशन एंड प्रेसिडेंट हेयर बाय मेक द फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेटिंग द मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट ग्रुप सी पोस्ट इन मिनिस्ट्री एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज नेशनल जियोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको एज लिमिट क्या रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट आपको 21 से 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको जो कि 10th पास होना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो कि आपको क्वालिफाई चाहिए यहाँ पे 10th पास, जिसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट जो है MTS के लिए, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो जो बोला गया है उस पोस्ट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा 18,000 से 56,000 पर मंथ। इसके साथ साथ दोस्तों, और क्या क्या डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मैट्रिकुलेशन पास और इक्विपमेंट पास आपको चाहिए। इसके साथ साथ ITI पास अगर है तो आपको एक एडवांटेज मिल सकते। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे 18 से 25 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन में जाके एप्लीकेशन करना होगा, जिसके लिए ऑनलाइन के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके या मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के पेज के लिंक भी नीचे दिया गया है, जिसको आप ओपन करके आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ से जाके आप पर्सनली आप मेरे को मैसेज करके कुछ भी क्वेश्चन आपके पास है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे आप लोग को ख़त्म करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज न्यू दिल्ली नेशनल जियोलॉजिकल पार्क के डिटेल दिया गया है, आप लोगों को बता देता हूँ दिया है। MTS के पोस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे आपको दिसंबर के लास्ट में इसका लास्ट डेट है, जिसके पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। और ध्यान रखें दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।